सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से गिर पड़ी और इस छोटी सी बूंद से निकला एक जादुई सुनहरा फूल। उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी मरीज या जख्मी को ठीक कर सकता था। ओह, उस बुढ़िया को देख रहे हो? उसे याद रखना, वो इस कहानी का बहुत खास हिस्सा है। तो हजारों साल बीत गए और एक नदी के किनारे एक राज्य बस गया। उस राज्य के महाराज और महारानी को सारी प्रजा बहुत चाहती थी और महारानी वो माँ बनने वाली थी, लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई, बहुत ही बीमार। उनके पास ज्यादा समय नहीं था और ऐसे समय में लोग चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, और इस कहानी का चमत्कार है वो जादुई फूल। मैंने कहा था ना, वो बुढ़िया वापस आएगी। बात ये है कि ये औरत जिसका नाम है मदर गौथल, इसने अपनी जवानी को हजारों साल तक बचाकर रखने के लिए उस फूल की जादुई खासियत को किसी के साथ नहीं बांटा, और अब बस उसे एक जादुई मंत्र गाना था। खुल जाओ फूल, खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए जो पल उन्हें वापस ले आओ, वापस ले आओ। समझ गए ना, फूल को मंत्र सुनाती और जवान हो जाती। डर लगा? उस सुनहरे फूल के जादू ने महारानी को ठीक कर दिया और जन्मी एक सुंदर सी बेटी, एक राजकुमारी जिसके रेशमी सुनहरे बाल थे। जानते हो ये बच्ची कौन है? ये है रपंजल। उसके जन्मदिन के मौके पर महाराज और महारानी ने आसमान में एक कंदील छोड़ा। उस पल तक सब कुछ एकदम सही था, लेकिन सिर्फ उस पल तक। खुल जाओ फूल, खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए जो आई, बच्ची को चुराकर निकल पड़ी और गायब। उस राज्य के सभी लोगों ने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, क्योंकि दूर घने जंगल में एक गुप्त मीनार में गौथल उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। खो गया लौटा दो सब कुछ जो था मेरा, जो था मेरा। गौथल को एक नया जादुई फूल मिल गया था जिसे इस बार हर हाल में उसे दुनिया से छिपा कर रखना था। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जहाँ लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। तुम यहीं रहोगी जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं, समझी मेरी नन्ही गली? हाँ माँ। लेकिन उस मीनार की दीवारें सब कुछ नहीं छिपा सकती थी। हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर महाराज और महारानी आसमान में हजारों कंदील छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी खोई हुई राजकुमारी जरूर लौट आएगी।